अमेगा पार्टनर जी, आप जी ने सन्मुख खून के ये बहुत जरूरी है। साथियों, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा भी ये मानता है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय में जो पिछले कुछ सालों से ये ऋण मुक्ति का और उपज के सही दाम का मुद्दा उठा रहा है और दो विधेयक बिल्स लोकसभा में पेश किए हुए हैं, संपूर्ण ऋण मुक्ति का एक और हर खेती उपज का, हर प्राकृतिक उपज का सही दाम, लेकिन उस पर कोई चर्चा विचार न करने वाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार ने लॉकडाउन में जो तीन कानून थोपे हैं, उन कानूनों की वापसी आप सब लोग, हम सब लोग मांगते हुए जो डेरा डाल के बैठे हैं, उसके लिए हमने मोदी जी को धन्यवाद ही देने चाहिए कि भाई उन्होंने रास्ते रोके और हमको डेरा डालने का मौका दे दिया, नहीं तो हम जाते रामलीला मैदान में, जिसकी मांग हमारे समन्वय ने की थी। पर साथियों, संविधान दिवस पर से शुरू हुआ ये डेरा, जब हमको रोका गया था यूपी के योगी सरकार ने वहाँ सैया बॉर्डर पर, और दो दिन दो रात हमको वहीं गुजर कर फिर यहाँ पहुँचना पड़ा था। हम लोग मानते हैं कि इस डेरे की बात अब दुनिया भर पहुँच गई है, चाहे यूके हो चाहे कनाडा हो, वहाँ के सिखों के जनप्रतिनिधि नहीं, वहाँ के राष्ट्र प्रमुखों ने जब ये निर्णय लिया है कि वो हमारे मूवमेंट के साथ है, तो ये बात अब केवल पंजाब की, केवल हरियाणा की नहीं रही, जिसकी पूरी ताकत ने पूरे देश को जगा दिया है, गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा है, आज़ादी आंदोलन की शहादत की प्रेरणा है, जो भी सबसे ज़्यादा पंजाब से निकल आई थी, लेकिन अब देश के कोने कोने में, सत श्री अकाल, अब देश के कोने कोने में, गली गली में इस आंदोलन की आवाज गूंज उठी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और यहाँ का चित्र अगर देखेंगे तो कहीं मंच पर नहीं आने वाले बहुत साथी, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, गुजरात के कई साथी हैं। मैंने उनको कहा भाई आप मंच पर जाओ और बोलो कि गुजरात का मॉडल क्या है, गुजरात के किसान ठेका खेती के खिलाफ पिछले साल पेप्सिको कंपनी के खिलाफ आलू उत्पादकों को क्यों लड़ना पड़ा और कैसे आखिर मैदानी और कानूनी लड़त से उनको जीत हासिल करनी पड़ी। इस बार की हकीकत है कि मध्य प्रदेश के एक एक जिले में ये फॉर्चून नाम की कंपनी, जो अडानी की कंपनी है, जो एग्री लॉजिस्टिक्स चलाती है, लेकिन खेती हरों को धुआं करके हुए ध्वस्त करती है, उसने भी धान में पूंजी निवेश किया लेकिन अंतिमतः धान खरीदना मना कर दिया, और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जिस पर कंपनी का न सिक्का होता है न अंगूठा होता है। तो साथियों, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने वाले ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के द्वारा पूंजी निवेश लाया जाएगा। क्या ये हालत सही है कि किसान को अगले सीजन के बीज और खाद खरीदने के लिए या बिजली का दाम चुकाने के लिए, लगाने के लिए पैसा हाथ में नहीं है? यही तो बात है जिसके कारण हम कह रहे हैं कि जिनके हाथ में प्रकृति की पूंजी है, जल जंगल जमीन की, जिनके हाथ में मेहनत की पूंजी है, जिनकी कुशलता है अनाज उगाकर पूरे देश को अन्न सुरक्षा देने की, उनके हाथ में इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरे सीजन के लिए अपनी बीज खाद की लागत चुका दे। और किसको लाए हैं वो पूंजी निवेश के नाम पर? वो गौतम अडानी, जिनकी रोज की कमाई 384 करोड़ रुपए है, उस मुकेश अंबानी को जिसकी रोज की कमाई 1085 करोड़ रुपए है, और आएंगे अनिल अंबानी भी, आएंगे ए बी सी डी जेड तक, लेकिन ये ऐसे पूंजीपति क्या कोर्ट में भी, कोर्ट में जाने से कानून ने तो इनकार किया, पर अपने इस आंदोलन से जब बात उठी और कुछ सर झुका सरकार का, तो उन्होंने प्रस्ताव किया हमारे कमेटी के सामने, चर्चा के बाद छठी चर्चा के बाद कि भाई 8 दिसंबर के बाद कि हम लोग सिविल कोर्ट में जाने की मंजूरी देंगे। भाइयों और बहनों, कोर्ट में जाने की मंजूरी तो हमको बाबा साहेब अंबेडकर ने और संविधान ने दी हुई है, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपके उपकार की बात नहीं है। पर हमारा कहना है कि सत श्री अकाल,
लेकिन हमारा कहना है कि आज जो न्यायपालिका जनतंत्र का स्तंभ है उसको धीमक लगी हुई है। आज वहां के न्यायाधीश भी क्या कोर्ट में फैसला दे पाएंगे इन अंबानी और अडानी के खिलाफ, किसानों के और मजदूरों के पक्ष में। हम कई सालों तक नर्मदा के मुद्दे पर कोर्ट में लड़े हैं, खुद खड़े होते आए हैं और हमने देखा है कैसा होता है हस्तक्षेप। पर आज जबकि सुप्रीम कोर्ट का दूसरा दिन सुनवाई में गया है, हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि उन्होंने ये दखल ली कि यहाँ एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह शब्द इस्तेमाल किया और सत्याग्रही आंदोलन जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूर्ण फैसला नहीं दिया है और हमें केवल फैसला नहीं, हमको न्याय चाहिए। तो फैसला नहीं न्याय चाहिए, फैसला नहीं न्याय चाहिए। पर फैसले के द्वारा न्याय दिलाने की अपेक्षा कौन नहीं करेगा न्यायपालिका से। पर साथियों, न्यायपालिका ने, केंद्र सरकार ने न्यायपालिका में इस छोटी सी पिटीशन में, जिसकी प्रार्थना मांग केवल इतनी थी कि रास्ते खुले करो, दिल्ली को लॉकडाउन में रखा है। अरे पूरे देश को लॉकडाउन में रखने वाले वही तो लॉकडाउन में ये तीन कानून लाए, और उन्होंने तो 44 श्रमिकों के पक्ष के कानून इस लॉकडाउन में रद्द करने का एक अवसरवाद दिखाया। और 68,000 करोड़ रुपए की ऋण मुक्ति नीरव मोदी और विजय मल्ल्या जैसे अपराधी कॉरपोरेट्स के पक्ष में की। तो इनके अवसरवाद को हम सवाल करते हैं। हमने दिल्ली को लॉकडाउन में नहीं रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हरीश सालवे जैसे सीनियर वकील को, अधिवक्ता को ये जवाब दिया कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली बंद करके रखी है। तो साथियों, हम सुप्रीम कोर्ट को आदर के साथ अपेक्षा पहुंचाना चाहते हुए ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार केंद्र की जो आपके सामने भी गलत सलत आरोप लगा रही है, एक आरोप अभी भी उन्होंने किया है कि यहाँ कोई इन्फिल्ट्रेशन है, कोई आतंकवादी जैसे हो, खलिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, वो घुस गए हैं। अरे खलिस्तान और पाकिस्तान पर अपने अपने विचार सबके हो सकते हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं बहन भाई, ये कहने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ न खलिस्तानी न पाकिस्तानी, हम सब है हिंदुस्तानी। न खलिस्तानी न पाकिस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई गई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन कानूनों के अमल पर जब रोक लगाई है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मांग की कुछ दखल ली है। पर अंतिम दौर और मंजिल अभी दूर है, तो ये आंदोलन आगे जाएगा कैसा जाएगा, ये निर्णय तो सामूहिक नेतृत्व का निर्णय है। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर संघर्ष समिति, 500 संगठन जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि कर्नाटक और केरल के सभी किसान इन तीनों कानूनों के पक्ष में हैं। बताइए इससे झूठ और क्या हो सकता है। जब कर्नाटक को बंद रखा गया, पूरे राज्य को, पूरे श्रमिक संगठन, किसान संगठन सबकी यूनिटी की ताकत दिखाई है, और केरल में जगह जगह आंदोलन जारी है, और केरल की सरकार ने उनकी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है कि फल सब्जी के साथ हर उपज को हम लोग सही दाम देंगे। और जब छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान ने राज्य सरकार का अधिकार स्थापित किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैं मेरे बैग से निकाल कर दिखाऊं कि स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार के अधिकारों में कृषि का मुद्दा सर्वप्रथम होते हुए इन्होंने उनको धिक्कारा नकारा, दूर रखा। और अब ये जाहिर करने के लिए कि उनके कानूनों को समर्थन है, वो ये भी कह रहे हैं कि बहुसंख्यक राज्य सरकारों ने इस कानूनों का स्वीकार किया है। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक के लोगों ने भी इन कानूनों का स्वीकार किया है। वो कह रहे हैं कि लाखों और करोड़ों सदस्य जिन किसान संगठनों के हैं, उन्होंने कानूनों का स्वीकार किया है। इतना झूठ शपथ पत्र देने वाले केंद्र सरकार के नुमाइंदों को, वो कोई अटर्नी जनरल हो कि सॉलिसिटर जनरल हो, हमने हमारे आंदोलन में बार 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 देखा है। और इसीलिए न्यायपालिका में न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, अन्यायिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये हमारा ठाम निर्धार और संकल्प होना चाहिए। साथियों, इन्होंने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में जो सदस्य की सूचना
सुप्रीम कोर्ट ने दी है उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करती हूँ, पर आपको जल्दी ही समझ में आएगा कि वो है कौन, उनके विचार है कौन, उनके नाम के साथ YouTube पे क्या वक्तव्य दिए हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि न्यायपालिका के निर्णयों के बाद के आंदोलन के रास्ते और मंजिल के बारे में सामूहिक नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन किसान जो लाखों करोड़ों है और मजदूर और पशुपालक और वनोपज पर जीने वाले आदिवासी हो या मछुआरे, हमारे सबके प्रतिनिधि आज यहाँ आए हैं, हर बॉर्डर पर जाने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, और हमारी कमेटी में भी इसकी बार बार चर्चा हो चुकी है और आज फिर भी होगी। हम इतना ही कहते हैं कि इनके न्याय के लिए, जीवन अधिकार के लिए, राशन व्यवस्था खत्म करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। केवल गोडाउन नहीं बन रहे हैं, FCI का गोडाउन नहीं भरेगा तो ये अपने गोडाउन से राशन नहीं बांटेंगे, ये बस मुनाफाखोरी के साथ जमाखोरी को आगे बढ़ाएंगे, जो इस देश की जनता का अन्न सुरक्षा का अपमान अवमानना होगा। और इसीलिए हम लोगों ने इस को अब और तेज करना है। प्रजासत्ताक में किसान सत्ता है कि नहीं, मजदूर सत्ता है कि नहीं, इसका जवाब हमको लेने का समय आया है साथियों। और इसीलिए लाल किले पर झंडा भले प्रधानमंत्री फड़काए, पर हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने का मौका तो वो नहीं नकार सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं हमारे साथियों को किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर एकाध गीत प्रस्तुत करने के लिए विनंती करती हूँ, और वही भाषण से भी ज़्यादा प्रभावी गीत होते हैं ये मानती हूँ। कुछ नारे दे देंगे, कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन चलाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, अंबानी अंबानी की जागीर नहीं ये देश हमारा है, अडानी अंबानी की जागीर नहीं ये देश हमारा है, मोदी जी की जागीर नहीं ये देश हमारा है। सो गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा को हम वंदन करेंगे। 20 जनवरी को आजाद हिंद के सुभाष चंद्र बोस जी को हम याद करेंगे 23 जनवरी को, और 18 जनवरी को महिलाओं का नेतृत्व इस मंच पर भी होगा, ये मैं अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि महिला शक्ति ही बुनियादी बदलाव लाती है। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। जिंदाबाद में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को सलाम करते हैं।